भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण को भी मैदान में उतारे जाने की अटकलें लग रही हैं। इनको कहां से लड़ाया जा सकता है, इस पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान की तरफ से जारी की गई अपनी विधानसभा प्रत्याशियों की जो दूसरी सूची थी, आम लोगों को इतना नहीं चौंकाया जितना बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं तक को चौंका दिया। देव श्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, आपसे ये जानना चाहेंगे, दूसरी लिस्ट ने तो चौंकाया ही, अब खबर ये भी है कि कुछ और सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा सकता है, जिसमें वीडी शर्मा का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुका दूसरी सूची ने चौंका दिया है। कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नाम, प्रहलाद पटेल और जैसे नाम इसमें आए हैं, तो निश्चित तौर पर अब अटकलें लग ग्वालियर चंबल संभाग में तो ज्यादा तेज है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जिस कद के नेता थे, जिस पद के नेता थे, उसमें ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कि उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र में जहाँ से वो लगातार सांसद निर्वाचित हो रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, और वहाँ की एक विधानसभा सीट से उनको उतार दिया जाएगा, वो भी वो विधानसभा सीट जो कांग्रेस के कब्जे में है। तो अब और अटकलें भी लगने लगी हैं, क्योंकि जब ये दूसरी सीट आई, सीट सूची आई थी, तो भोपाल में एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि तीसरी सूची और भी चौंकाएगी। तो अब चौंकाने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में तो सिंधिया का ही नाम बचता है। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि सिंधिया परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन चूंकि दूसरी सूची में नरेंद्र तोमर को टिकट मिला है, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी प्रत्याशी बनाए जाने पर अटकलें लगने लगी है। और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बातचीत करके पूछ रहे हैं कि वो किस किस सीट से हो सकते हैं, और जिन सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है, हालांकि ये सभी इन्हें अभी अटकल ही कहा जाएगा क्योंकि अभी तक ऐसा कोई संकेत अब नहीं मिला है, लेकिन जैसा कि बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, तो दिल्ली से टिकट आएगा तो लड़ना पड़ेगा। सिंधिया स्वयं भी कह चुके हैं कि अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो वो उस निर्णय को मानेंगे। देव, जिस तरीके से नेताओं का कहना है कि अगर दिल्ली से ये आदेश आएगा तो वो लड़ेंगे और पूरी मेहनत से पार्टी को जीत दिलाने की जीत और कोशिश भी उनकी तरफ से की जाएगी। ऐसे में सवाल देव ये भी है कि जो लोग पहले से ही कतार में थे, जो टिकट का इंतजार कर रहे थे कि उनका नाम सूची में आएगा, देखिए नाराजगी उन लोगों में भी है क्योंकि उनको दरकिनार किया गया, उनको एक तरीके से ये दिखाया गया कि आप जिस तरीके से जमीन से जुड़कर इतने महीनों से, जो महीनों से सालों से काम में लगे हुए थे पार्टी के साथ, और इंतजार अब की बार था कि उनका नाम सूची में आएगा, नाराजगी उन लोगों में खासतौर से इन नामों के सामने आने के बाद ज्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश का अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से स्काई लैब उतारे गए हैं, तो उनके जो वहां के नेता थे, चाहे केदार शुक्ला का मामला हो, चाहे नारायण त्रिपाठी का मामला हो, चाहे और दूसरी जगह का के मामले हो, हम देखेंगे कि हर जगह विरोध आ रहा। अब दूसरे लोग जो उम्मीदवार थे वो तो नाराजगी उनमें तो है ही, कई तो कैलाश विजयवर्गीय को ले लीजिए, वो तो खुद ही नाराज है, उन्होंने खुद कहा कि मैं 1% भी इसके लिए तैयार नहीं था कि मैं मुझे चुनाव लड़ाया जाए। तो सारे असमंजस की स्थिति में, जो जैसा कि आपने खुद ही रिपोर्ट में पहले ही कहा कि जितना जितनी चर्चा जनता में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, जितनी चर्चा इस सूची की बीजेपी में हो रही है, और बीजेपी में पिछले 2 दिन से चुनाव प्रचार और बाकी सारी चीजें बंद करके केवल इसी पर डिस्कशन चल रहा है कि कौन और कौन किसका टिकट कटेगा, किसको और मिलेगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो निश्चित तौर पर वो लोग भी घबराए हुए हैं जो लोग महीनों से तैयारी कर रहे हैं, पार्टी ने उनको हिंट भी दे रखी थी कि भाई हर पैनल में 2-2, 3-3 लोग थे कि वो तन मन धन से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि किस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाएंगे, किस सीट से विवेक सेजवलकर आ जाएंगे, किस सीट से कौन आ जाएगा, तो ये उनमें भी बेचैन। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी अपनी स्थिति को लेकर संशय में है, जो इतने दिग्गजों को मैदान में इस बार उतारा जा रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया देव श्रीमाली आपका तमाम जानकारी के लिए।